गुड आफ्टरनून। और मैं आज ब्लेडी एंड मेंथिस की सेकेंड वीडियो लेके आई हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कुछ पार्ट नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ पार्ट एम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये दो प्रिपरेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन सा पोर्शन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो। सो एग्जाम्पल है फेशियोला हेपैटिका, जिसे हम लिवर फ्यूग भी कहते हैं। इसकी पहचान में एक चीज़ तो ये आती है कि इसकी बॉडी पे हुक्स नहीं है। दूसरा ये है कि इसके स्ट्रक्चर में देखो, पहले तो ओरल, इसको हम एंटीरियर पार्ट भी कहते हैं, ये नॉर्मल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। फिर नीचे ग्रीन कलर का मैंने सिरस बनाया है। इसको समझने के लिए, इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए आप इसे ना पीनिस से कंपेयर कर सकते हो। फिर नीचे इसका सकर है, इसे हम पोस्टीरियर सकर कहते हैं, वेंट्रल सकर कहते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिटाबुलम भी कहते हैं। इसके नीचे आपको ना ब्लू कलर की रिंग जैसे बनाया मैंने, वो टेम्परेरी ओपनिंग होती है, मतलब पर्टिकुलर सीजन में वो ओपनिंग क्रिएट होती है, इसे हम लॉरिस केनाल कहते हैं। इसका फंक्शन समझने के लिए आप इसे विजाइना से कंपेयर कर सकते हो। और सबसे एंड में जो मैंने पोर बनाया रेड कलर से, वो है एक्सक्रीटरी पोर, इसके बारे में हमें पता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पीछे डायग्राम है वो लिवर फ्लूइड का ओरिजिनल डायग्राम है। और ये माइक्रोस्कोप से स्टडी की है। तो ये है डायजेनेटिक पैरासाइट। डायजेनेटिक पैरासाइट मतलब इसके दो होस्ट हैं। पहला होस्ट मतलब प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें ये अपनी अडल्ट लाइफ गुजारे, और सेकेंडरी होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं इसे, जिसमें अपनी वो लार्वल लाइफ गुजारे। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट होता है, और प्राइमरी होस्ट के एग्जांपल्स होते हैं शीप, गोट और मैन। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? ज़्यादातर हम पैरासाइट्स वही पढ़ते हैं जो कि मैन की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हों। तो एग्जांपल में हम मैन को, अक्सर मैन होना चाहिए। और सेकेंडरी होस्ट होते हैं इसके फ्रेश वाटर स्नेल्स, लेमनिया इसका एग्जांपल है, और याद भी रखने वाला एग्जांपल है ये। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब इसका नाम फिर से सुनो, लिवर फ्लूक कहते हैं या फिर फेशियोला हिपैटिका कहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा? लिवर से। तो इसकी अडल्ट जो स्टेज होती है वो हमारे बाइल को खाती है, हमारे या शीप या गोट के बाइल को खाती है, ब्लड, लिम्फ टिश्यूज़, ये जो भी की बाइल डक्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं, लिम्फ होता है, ब्लड लिम्फ होता है, उन सबको खाता ही है। अगर ये प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन करता है ना, प्राइमरी होस्ट के एग्जांपल्स बताओ, शीप, गोट और मैन, तो हम इस डिज़ीज़ को फेशियोलियासिस कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ आना चाहिए, क्योंकि इसका नाम क्या है, फेशियोलिस हेपैटिका। और इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में ना ये लिवर को सड़ा देता है, लिवर रॉट, ये अक्सर शीप में बहुत जल्दी मिलता है। इसीलिए इसे स्टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और थोड़ी देर पहले मैंने हिंट्स भी दिए हैं कि सिरस को आप पीनस की तरह समझो और लॉरिस केनाल को आप वजाइना की तरह समझो। तो आप इससे क्या डिराइव करते हो कि एक फ्लूक अपने सिरस से स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है दूसरे फ्लूक के लॉरिस केनाल में, इसको आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और जो जायगोट होता है वो अपनी चारों तरफ ना एक सिस्ट बना लेता है, और बाइल जूस से पास होते होते वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और इंटेस्टाइन से वो फीकल मैटर के थ्रू बॉडी के बाहर पहुंच जाता है। तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ नीट के लिए ये याद करनी है कि इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है प्लेटी हेलमेंथिस में, इसमें फीकल मैटर मतलब कंटामिनेशन फूड एंड वाटर के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, और सबसे बड़ी बात इसके दो होस्ट हैं और उन दोनों होस्ट के नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं रियल लाइफ साइकिल में। इसमें आपको जो लार्वा के नाम है वो याद होने इम्पॉर्टेंट है, पुराने प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखे हैं क्वेश्चंस। जब ये फीकल मैटर के थ्रू पानी में डिस्चार्ज होता है, तो अब इस पूरी लाइफ साइकिल को ना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो ये शेल टूटता है और इसका फर्स्ट लार्वा निकलता है, जिसका नाम होता है मीरासीडियम। इसकी बॉडी पे ना सीलियाज होते हैं, जिसकी वजह से ये स्विम कर पाता है।
और इसका ही प्रॉमिस होता है कि अगर मैं 24 आवर्स में स्नेल की बॉडी में पेनिट्रेट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो अगर 24 घंटे में इसे स्नेल नहीं मिलता तो ये मर जाता है, बट अगर मिल जाता है तो ये उसकी बॉडी में छेद करके उसके अंदर घुस जाता है और फिर कन्वर्ट होता है सेकेंड लार्वा में। तो अब ये बताओ मुझे कि मेरा सीडियम किसके लिए इन्फेक्टिव है? ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव है? अच्छा, शीप के लिए इन्फेक्टिव है? नहीं, तो किसके लिए? स्नेल के लिए इन्फेक्टिव है। हाँ, तो ये हो गया, मेरा सीडियम स्विम कर सकता है, उसके पास सीलिया है, और स्नेल की बॉडी में एंटर करने के बाद वो सेकेंड लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होता है स्पोरोसिस्ट नाम का। और अब ये सब ना स्नेल की बॉडी के अंदर होना है। अब स्पोरोसिस्ट की भी अलग कहानी है, उसे एक लार्वा पे टिकना ही नहीं है। वो तो कहता है कि मैं 5 से 8 रेडिया बनाऊंगा, मतलब थर्ड लार्वा, और सिंगुलर रेडिया होता है और प्लूरल में रेडिये होता है। तो आप ऐसे करके हम थर्ड लार्वे पे पहुँचे, और ये एक तरह से बहुत सारे एम्ब्रियो बना रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनी का। तो इसी बात पे रेडिया कहता है कि मैं तो और महान हूँ, मैं तो 14 से 20 सरकेरिया बनाऊंगा। सरकेरिया मतलब फोर्थ लार्वा। तो एक चीज़ देख रहे हो कि काउंट की स्पीड से बढ़ रहा है। एक मेरा सीडियम से एक स्पोरोसिस से 5 से 8 रेडिया, और एक रेडिया 14 से 20 सरकेरिया बना रहा है। तो 100 तक काउंट पहुंच रहा है। तो अब सरकेरिया है फोर्थ स्टेज लार्वा। तो ये ना स्नेल की बॉडी से बाहर निकलता है, 2-3 दिन आराम से घूमता है। उसके पास ना एक टेल होती है स्विमिंग के लिए। मेरा सीडियम के पास क्या था? सीलिए। तो अब और लास्ट में जाके एक पत्ते पे ना बैठ के अपनी सिस्ट बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है मेटा सर्केरिया में, जो कि है फिफ्थ एंड लास्ट लार्वा। अब इम्पॉर्टेंट मटेरियल, स्पोरोसिस्ट और रेडिया शो करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। आपको पता है क्यों? उसके बाद आते हैं हम नॉर्मल फैक्ट्स पे। ये किस टाइप के स्नेल्स को इन्फेक्ट करता है? फ्रेश वाटर स्नेल्स, एग्जाम्पल लेमनिया। इसमें कितने लार्वा होते हैं? 5 लार्वा होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, और इसकी सीक्वेंसिंग भी। पहले मीरा सीडियम आता है, फिर स्पोरोसिस्ट आता है, फिर रेडिया आता है, फिर उसके बाद सर्केरिया आता है। अब हम आए शिस्टोसोमा पे, इसे हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे हम इसे बिलार्जिया भी कहते हैं। सो, इससे जो डिजीजेस होंगी, आपको क्या डिराइव हो रहा है कि इन डिजीजेस का नाम क्या होगा? सिस्टोमियासिस, बिलार्जियासिस। हाँ, यही है। अब आगे देखते हैं, और इस पैरासाइट को हम डायजेनेटिक पैरासाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसके इसका दो दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट इसका। अब जो लिवर फ्लूक में पढ़ा था उसमें प्राइमरी होस्ट कौन कौन से थे? मैन था, शीप था, गोट था। तो यहाँ प्राइमरी होस्ट सिर्फ सिर्फ मैन है। लिवर फ्लूक और ये जो ब्लड फ्लूक है, इसमें एक और सिमिलैरिटी है कि इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो सेम है। क्या था उसका सेकेंडरी होस्ट? स्नेल। तो अब इस डिजीज़ को फिर से रिवाइज करो कि इसको क्या क्या कहते हैं। इसे बिलहार्जियासिस कहते हैं, इसको सिस्टोमोनियासिस कहते हैं, और इसका एक और नाम है स्विमर्स एच। क्यों कहते हैं, ज़रा डिराइव करने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो है पैरासाइट है, ये पानी में घूमता है, डर्टी वाटर में, और जो लोग इसमें स्विम करते हैं ना, उसकी स्किन को बोर करके, पेनेट्रेट करके उसके अंदर चला जाता है, इसलिए। अब हमने ये फिनिश कर, इसके एक और पॉइंट है कि इसकी 3 लार्वा होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम लिवर फ्लूक में पढ़ा था, उसके 5 लार्वा होते हैं। इसको याद करने का ना सबसे अच्छा सिस्टम यह है कि जो रेडिये है उसके एक पीछे और एक आगे वाला लेकर रेडिये और मेटासर्केरिया को हटा दो। बस वही हो गया, एक मीरा सीडियम, दूसरा स्पोरोसिस्ट और तीसरा सर्केरिया। ये भी फिनिश हो गया। सो दैट्स हाउ वी हैव फिनिश दिस टॉपिक। और टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।